सच साहस सरोकार। पंचायत भवन के निर्माण में मिली अनियमितता, ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। गोली मारकर की युवक की हत्या, लोगों में बना दहशत माहौल, पुलिस जुटी मामले की जांच में। पुलिस ने किया वाहन चोर का खुलासा, दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बालू माफियाओं ने किया खनन पदाधिकारी और पर फायरिंग, खनन पदाधिकारी की गाड़ी पर किया 3 राउंड फायरिंग। बाजार में लगी भी सड़क, सब्जी की कई दुकानें हुई जलकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बेतिया से है, जहां जंगल से बाहर निकल रियासी क्षेत्र में पहुंचे एक भालू ने रामनगर के मंचगवा गांव के सरहे में एक 40 वर्षीय युवक को घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं आनन फानन में चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने घायल युवक को रामनगर PSC में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर युवक को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। खबर मोतिहारी से है, जहां शिवहर की भाजपा सांसद रमा देवी ने ढाका विधायक पवन जायसवाल को संबोधित करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान में जीतकर विधायक बने हैं, और इस दौरान विधायक ने भी रमा देवी की बातों में हामी भरी। वहीं इस मामले को लेकर पार्टी के प्रवक्ता और जाप के प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह आग बबूला हो गए और पूरे ढाका की जनता से माफी मांगने को कहा। हिंदुओं से ज्यादा तो नहीं है, मतलब अगर मुसलमानों की जहां आबादी होगी वो पाकिस्तान हो जाएगा, और वहां जो हिंदू परिवार 2 लाख रहते हैं वो क्या है फिर? तो आप वोट क्यों लेने जाते हो? अगर वो पाकिस्तान है तो आप चुनाव मत लड़िए, आप विधायकी से, आप सदन से रिजाइन करिए। खबर पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र से है, जहां सड़क दुर्घटना के दौरान हुए भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर पटना से है, जहां पासी समाज के सैकड़ों लोगों ने LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की, और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार का बिहारियों के प्रति नजरिया नफरत का है, और पासी समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे थे और उन पर लाठियां चलाई गईं और मुकदमे भी किए गए, और कहा कि पासी समाज के लोगों का बच्चों का जीवन अंधकार में है और नीतीश कुमार आलिशान बंगले में आराम कर रहे हैं। क्या कोई कर लेगा भाई? मुख्यमंत्री जी के लिए अगर 1 लाख रुपया इतनी ही बड़ी राशि है तो 1 लाख रुपया में वो कोई व्यवसाय खड़ा करके बता दे हमको? भाई इंजीनियर है, उनके पास तो बुद्धि भी होगी, 1 लाख रुपए में कोई क्या कर लेगा बताए ना? अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, 2 वक्त की रोटी देखेगा या कहीं जाके व्यवसाय खड़ा? मजाक करते हैं क्या? पासी समाज आया है, आज जो सरकार का नीति और नीयत तो दोनों खराब हो चुकी है, खास करके हमारे समाज के, हमारे परिवार के, हमारे जो पूर्वज कर चुके थे जो तारी का रोजगार, उस पर सरकार है जो नंगा नाच रही है। हमारे पासी समाज को रोड पर एकदम खदेड़ खदेड़ के मारा जा रहा है, और नीतीश जी को ये समझना चाहिए कि जिस चीज के लिए प्रतिबंध लगाए थे दारू के लिए, उस प्रतिबंध को नहीं हटाए। आज हमारे ग्राम सहरसा के शिक्षकेतर कर्मचारी हरिनंदन कुमार ने विवाह भवन में प्रेम
प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि पिछले एक साल झूठे मामले में फंसा कर कॉलेज प्रशासन मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज में घंटों बैठा कर रखते हैं और कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। पीड़ित ने कुलपति को लिखित आवेदन पत्र देकर निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। कई जगह मतलब हर एक जगह कर चुका हूँ, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, जो भी प्रशासकगण हैं उन सभी को मैं कर चुका हूँ, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रक्रियाधीन है। अब कार्रवाई होने में कितना विलम्ब लगेगा यह तो प्रशासक महोदय जी ही बता पाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस विज्ञप्ति मैं इसलिए भी किया हूँ, यदि आप समूह के माध्यम से अगर थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है तो हो सकता है कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। मामला यह है कि मुझे विगत एक वर्ष पहले एक खबर मधुबनी से है, जहां डीएओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हजारों की तादाद में किसान कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और खाद कालाबाजारी कराने की भूमिका पर कृषि पदाधिकारी पर एफआईआर की मांग की। बता दें, दो सालों से खाद माफियाओं को संरक्षण का किसानों ने आरोप लगाया। वहीं आंदोलन कंट्रोल के लिए पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाई गई। कार्रवाई अभी भी बड़े माफिया को हम लोग पकड़े हैं, 1 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य का हम लोग खाद पकड़े हैं, आगे भी हम लोग पकड़ते रहेंगे। तो इनका जो मांग है वो हम लोग करते रहेंगे, उसके लिए बिल्कुल वो कोई दो राय नहीं। किसी विभाग के जो आरोप है वो कितना सच्चाई उनके आरोपों में, अब उस मुद्दे पे तो कोई कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। वो सब आरोप तो कोई भी अब जिसके खिलाफ रेड होगा तो स्वाभाविक सा कुछ होगा। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जांच टीम गठित की गई, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं। तो इसमें पूरा कृषि विभाग मिला हुआ है क्या खाद माफिया से? नहीं, कृषि विभाग तो हमारा अपना हमारा विभाग है, वो हम जिला पदाधिकारी महोदय के सभी नियंत्रण में है। अगर मिला हुआ होता तो हम कार्रवाई कैसे करते, लेकिन अगर कोई होगा तो जिला पदाधिकारी महोदय के जांच में आए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुकते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने ही मां पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल मां को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, मामला घरेलू विवाद को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मारन को आप के मारन बड़का बेटा काहे ऐसे बिन पुसार के
सार के मार को नहीं को कर बना रहे कि सार रहे कि सार आओ मार दे पहले भी क्यों मार के मारल को एगो मांझला बेटा के भी मारल को हमर मालिक के जमाने अथी कर दल को। खबर नालंदा से है जहां स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पैठना गांव स्थित डेंटल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने अन्य पदाधिकारियों के साथ डेंटल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और डेंटल कॉलेज में अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ उद्घाटन को लेकर वार्तालाप भी की। हम लोग की कोशिश है कि 12 तारीख को जो डेंटल हॉस्पिटल है कॉलेज है उसका हम लोग शुभारंभ कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है तो आज उसी कंटेक्स्ट में आज हम लोग आए थे। खबर सहरसा से है जहां सहरसा प्रेक्षा गृह के सभागार में कलाकार चयन प्रतियोगिता के तहत 27वां जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर जिला अधिकारी और एडीएम के साथ कई बड़े नेताओं ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चींटी जब दाना लेके दीवार पे चढ़ती है, चढ़ते दीवार पे वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में ताकत भरता है, मन का विश्वास रगों में ताकत भरता है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना फिर नहीं अखरता है और आखिरकार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और मेहनत करने वाले के जीवन में कभी हार नहीं होती। इसलिए इन विधाओं में खबर मोतिहारी से है जहां जिले के मार्केट में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई और आग लगने से आधा दर्जन सब्जी की दुकानें भी जलकर खाक हो गई। बता दें सूचना पर पहुंची आरपीएफ और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी तरफ आग लगने के पीछे रेलवे पार्किंग की ठेकेदारी का विवाद को लेकर आपसी वर्चस्व की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर रेल प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर मोतिहारी से है जहां बेखौफ बालू माफियाओं ने जिला खनन पदाधिकारी और अधिकारी पर फायरिंग कर दिया। बता दें खनन पदाधिकारी अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी और छापेमारी के दौरान पदाधिकारियों ने बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया था, जिसके बाद माफियाओं ने खनन पदाधिकारी की गाड़ी पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां पुलिस ने जिले में सक्रिय राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इन चोरों के पास से 3 रेस बाइक बरामद की है। बता दें इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि सक्रिय चोर गिरोह के गिरफ्तार 2 शातिर पेशेवर अपराधी हैं, पुलिस जिसकी जाँच में जुटी हुई है। थाना बगहा थाना और रामनगर थाना में सितंबर माह में कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हुई अनेक जगहों से। पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज की और उसमें अनुसंधान शुरू की। पुलिस के अनुसंधान में आज उपलब्धि हुई है, इसके पहले भी उपलब्धि हुई है और उस उपलब्धि में चोरी गई मोटरसाइकिल 3, एक अपाची है, एक एचएफ डिलक्स है, एक हीरो हुंडा स्प्लेंडर। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in
skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें 24 घंटे में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे बेतिया में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरकार जंगल राज पार्ट 2 की तरफ जा रहा है बिना भय बिना डर का। घटना तरातर शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, कहीं आए दिन घटना हो रही है। पूर्णतः सरकार फेलियर है। आज जो हुआ है नरगटियां के लिए एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग के बीच से चला गया, जिसका भरपाया अभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। सरकार विफल। पटना के झुंझुन रोड निवासी राहुल की दबंग बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी थी। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने पीड़ित के परिवार से मिले एएसपी अभिनव धीमन से फोन पर बात कर अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने मृतक की मां को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी। पैसा देने के बाद केस खत्म हो जाएगा। हमने डीएसपी साहब से बातचीत, उन्होंने कहा कि सर किसी कीमत पर जस्टिस होगी। एसएसपी साहब अभी मीटिंग में थे, मैसेज उन्होंने किया, हम बात करेंगे। आप भरोसा रखिए, मेरे जाने के बाद कभी आपने सुना है जहां न्याय ना मिला हो? न्याय तो मिलेगा। भले इनके बेटे को मैं लौटा के नहीं दे सकता हूँ, इनके घर में सारे चिराग खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। अब इसके कागज ऐसे ऐसे हो सकता है वहां पहले। बेतिया के परसोनी पंचायत मुखिया पंचायत भवन के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों ने पंचायत मुखिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य बंद कराने की मांग की। पंचायत के पदाधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेकर निर्माण कार्य बंद कराने के निर्देश जारी किए, जिस पर प्रधान ग्रामीणों को हरिजन एक्ट के तहत जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस राज्य स्तरीय सचिदानंद अखौरी शूटिंग प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ हुआ। पुलिस महानिदेशक एके अम्बेडकर ने कबूतरों और गुब्बारों को आसमान में छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अश्वहोरी दल के जवानों और पुलिस बैंड टीम ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के समापन दिवस पर शूटिंग प्रतियोगिता सांस्कृतिक का कार्यक्रम प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार, शाहबाद डीआईजी क्षेत्र नील
एसपी आशीष भारती समेत तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक ए के अम्बेडकर ने शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन कल 2 दिसंबर को किया। ये शूटिंग कंपटीशन जो है कि 3 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस शूटिंग कंपटीशन में 1021 प्रतिभागी ने भाग लिया है और आपको बता दें कि इस शूटिंग कंपटीशन में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों होना है और 11 दिसंबर को जो कंपटीशन में अच्छे अच्छे रेंज को खेलेंगे, अच्छा अपना एक दिखाएंगे कंपटीशन, उनको संभवतः मैं बता दूं कि बीशेप के जो महानिदेशक हैं ए के अम्बेडकर वो सम्मानित करेंगे। नालंदा जिला के लोहिया नगर गांव में बस की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मजदूरी के लिए ट्रक पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, बारातियों से भरी बस ने टक्कर मार दी जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही राजगीर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर लोगों को मुआवजा और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सीसीटीवी के आधार पर बस ड्राइवर की पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए गए। नगर परिषद चुनाव के सभापति भाजपा प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव और उनके साथी की नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में नरकटियागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान राजेश श्रीवास्तव की मौत हो गई जबकि अन्य को प्राथमिक इलाज चल रहा है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा देर रात हॉस्पिटल पहुंचकर घायल व्यक्ति का हालचाल जाना। एसपी ने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रथम दृष्ट घटना को चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने मौके से 7 खोखा भी बरामद किया है। राजेश श्रीवास्तव के यहाँ पे कल शाम में हत्या हुआ है और इसी के विरुद्ध में हम लोग सड़क जाम किए हुए हैं। दिन के दिन यहाँ का नरकटियागंज जो व्यवस्था है बिगड़ते जा रहा है और प्रशासन को खबर देने के बावजूद भी उसमें कोई काम कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, जिससे अपराधियों का मनोबल दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी का अंजाम है जो आज जो कल घटना हुआ है, यही इसी का इथी है एवज में हुआ है। क्या बजे घटना का? कल शाम लगभग 8 बजे के समय। बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी।